नमस्कार मी शेगे आहे. माझा महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत. आजचं विशेष बातमीपत्र पाहूया. माजी महापौर अब्दुल सत्तार यांच्या वतीने प्रभाग क्रमांक 12 येथील नागरिकांना मोफत पाणी पुरवठा. आता बातमीपत्र विस्ताराने. माजी महापौर अब्दुल सत्तार यांच्या वतीने प्रभाग क्रमांक 12 येथील नागरिकांना मोफत पाणी पुरवठा. या उन्हाळ्यात जिल्ह्यासह नांदेड शहरात मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाई निर्माण झाली होती. जून अखेरपर्यंत सुद्धा तीच परिस्थिती कायम आहे. पाण्यासाठी प्रभाग क्रमांक 12 येथील नागरिकांचे हाल होत आहेत. या परिस्थितीची जाणीव ठेवून आपण समाजाचे काही देणे लागतो या भावनेतून नागरिकांच्या सेवेसाठी माजी महापौर नगरसेवक अब्दुल सत्तार यांच्या वतीने मोफत पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे शहरातील पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यातसुद्धा पाणी टंचाई कायम आहे. नगरसेवक अब्दुल सत्तार यांच्या या मोफत पाणी पुरवठ्याच्या कार्यक्रमाबद्दल प्रभागातील नागरिक आभार व्यक्त करीत आहेत. सदस्य पाणी की नांदेड में बड़ी सुलत मानी जाती थी और महापालिका के तरफ से उसकी पूर्तता नहीं हो रही थी, मगर आप पानी के लिए क्या योजना आपने? नहीं नहीं, महानगर पालिका के सर्वसाधारण सभा में तो पानी की विशेष मीटिंग लगाई थी. मीटिंग लगाने के बाद चर्चा हुई. चर्चा होने के बाद हम चर्चा में शामिल हुए. अपन उसमें तकरीबन उन्होंने 20 टैंकर लगाए हले 20 प्रभाग में, जैसा कि 20 टैंकर लगाए हैं. और टैंकर लगाने के बाद प्रभाग 12 में जो टैंकर लगाया गया वो टैंकर बराबर चलता नहीं और टाइम पे नहीं चलता, इसलिए हमने हमारा खुद का टैंकर लगाए हैं. और जिस तरह से आज हम मुफ्त पानी बांट रहे हैं और मुफ्त हमारा जो धनियों से हम डायरेक्ट भर के लाते हैं और हमारे वार्ड प्रभाग 12 में जहाँ भी तकलीफ हुई हमने सबको टैंकर दिए हैं पूरे. हम कोई महानगर पालिका के भरोसे भी नहीं रहे. महानगर पालिका का टैंकर लगाया है, चार टीम मानेगा तो पूरा पुट्ठा टैंकर है. और टैंकर कोई सही नहीं है और जिधर बोले उधर चलता रहता है. वो कोई यो नहीं है उसका, नियोजन नहीं है उसका, मैं ये समझता हूँ. इसलिए मैंने खुद अपने जेब के खर्चे से और मेरे कार्यकर्ता जितनी भी है, कार्यकर्ता खुद खड़े रहकर पानी दे रहे हैं. और जितनी हमारे जितनी हम खिदमत कम करें प्रभाग 12 में, जो पाकिया नगर, हिलाल नगर, हमीदिया कॉलोनी, महवीरा कॉलोनी, ये सभी उमर कॉलोनी में जो मेरे आए, क्योंकि मेरी जनता ने मेरे को विश्वास कर कर मेरे पर भरोसा करके हमको चुन के दिए कांग्रेस के चार सीट. मेरा फर्ज बनता है कि हमारी जनता को तकलीफ नहीं होना, इसलिए मैंने खुद अपना टैंकर अपने जेब के खर्चे से रोज़ 2000 डालकर हम तकरीबन 6-7-8 ट्रिप मारकर सप्लाई करते हैं. और हम किसी के महानगर पालिका के भरोसे भी नहीं है. महानगर पालिका का टैंकर आप देख रहे हैं आ रहे हैं, 4 ट्रिप मार रहे हैं, किधर मार रहे हैं उनको मालूम महानगर पालिका. हम महापालिका के भरोसे भी नहीं, खुद का टैंकर लगा के हम चला रहे हैं. ये हम किसी जनता भी एहसान नहीं कर रहे, पर जनता ने हमको चुन के दिए. हमारा फर्ज बनता है कि हमारे लोगों को तकलीफ नहीं होना. हम हमारे सभी कार्यकर्ताओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ. कार्यकर्ता भी उसमें सहयोग कर रहे हैं, जगह जगह पे पानी दे रहे हैं. एक ऐसा मसला है कि ईदगाह के सामने जो एरिया है अपने प्रभाग में आता है, वहाँ पे लोगों के ऐसे कहना है कि काफ़ी दिनों से वहाँ पर जो है तो पाइप लाइनिंग हो गई है और पानी आज तक नहीं आया. सिर्फ एक बार रमज़ान में आया था ईद के दिन. वो पाइप लाइनिंग कब चालू होगी? पानी का पाइप लाइन चालू है, वहाँ बरोबर उसका नियोजन नहीं है. 4-8 दिन को छोड़े हैं, बरोबर पानी नहीं दे रहे, तो इसका मतलब अभी और उसमें लाइन डालना है अपने को. जो एक मेन लाइन डाली वाली अभी गली में कुछ लाइन बाकी है और अभी दे रहे पानी. ऐसा नहीं 5-6 दिन में एक बार पानी दे रहे वहाँ पे. यानी कि वो अमृत योजना की है या फिर अपने? नहीं, अमृत योजना की है जी. अमृत योजना की है, उसमें अभी और अपने को पाइपलाइन घुमाना है उसमें जी. इंशाल्लाह 1-8 दिन के बाद अपन पूरा पाइपलाइन घुमाने लगे. जो गलियों में नहीं है वो गली में पाइपलाइन डालना है और उसको रेगुलर टाइम उसका फिक्स करना है. अभी पानी यहाँ से जिस तरीके से पानी स्टॉक होगा, महापालिका की तरफ से आप आवाज़ उठाएंगे, जो पानी जो मिलता था 1-2 दिन आड़ आप ऐसा मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, पानी का अगर नियोजन होगा 1 दिन आड़ पानी देंगे अपन. क्योंकि हमारी परंपरा तो रोज़ पानी देते थे एक टाइम, अब तो अपन 6-7 दिन को दे रहे हैं. इंशाल्लाह पानी रेगुलर होगा, 1 दिन आड़ पानी देंगे. आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या टॉप ऑटोमोबाईल हिंग.